जनपद सहारनपुर के दहेज लालचियों की क्रूरता का एक मामला सामने आया है, जहां शादी के दौरान दिए गए दहेज के बावजूद भी ससुरालियों की दहेज को लेकर भूख बढ़ती ही गई। मांगे पूरी न होने पर ससुरालियों ने अपनी बहू को पीट पीट कर मारने का प्रयास किया। ससुरालियों द्वारा दिखाई गई इस हैवानियत के बाद पीड़िता की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। लड़की पक्ष द्वारा संबंधित थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई गई है, पर पुलिस भी अब तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं कर पा रही है। जनपद सहारनपुर थाना मंडी क्षेत्र की मंसूर कॉलोनी के रहने वाले अफसर अली ने अपने बेटी की शादी लगभग एक साल पहले बड़ी ही धूमधाम से नूर बस्ती के रहने वाले अब्दुल रहमान के साथ की थी। शादी के दौरान दहेज मांगने पर बेटी की शादी में स्विफ्ट डिजायर कार भी अब्दुल रहमान को दी गई थी, लेकिन लड़की के ससुरालियों की दहेज की भूख बढ़ती ही गई। शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुराल पक्ष स्कूटी के साथ 10 लाख रुपए मांग करने लगा। जब लड़की पक्ष की तरफ से ये मांगे पूरी नहीं हो पाई तो लड़की को पीट पीट कर मारने का प्रयास किया गया, जिसके बाद आनन फानन में लड़की पक्ष को सूचना मिली। लड़की पक्ष अपनी लड़की को बेहोशी की हालत में किसी तरह से लाने में कामयाब रहे, जिसके बाद से ही लड़की जिला अस्पताल में भर्ती पड़ी है। पीड़िता की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। ऐसे में लड़की पक्ष ने संबंधित थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन पुलिस प्रशासन 15 सितंबर से अब तक इस घटना पर कार्यवाही करने में असफल नजर आ रहा है। पीड़ित परिजन दर दर न्याय के लिए भटक रहे हैं। लड़की के साथ बहुत परेशानी कर रखी है, उन्होंने बहुत मारपीट कर रखी मेरी बच्ची के साथ। मेरी बच्ची को तो मैं तो हाथ में उठा के लाई इसको वहाँ से, इसे अपनी होश भी नहीं थी बिल्कुल भी। रात को मार पिटाई कर रही, खाला सबको बुला लें, वो औरत इतनी ख़राब औरत है, इतने उसे मियाँ भी बिल्कुल चन चाहिए कुछ भी नहीं कहता। मैं अपनी औरत को औरत के साथ लगा रहा हर वक्त, वो भी ना वो देखा कि क्या नाम, 2 दिन हो गए बच्ची भूखी पड़ी है, कि तबीयत ख़राब हो रही, कुछ खाने को दे पीने को दे कुछ नहीं देते, उल्टे सीधा मार पीट के चढ़ जावे मारने के लिए। देवर ने भी मारी इसको। लड़की का मामला है, जब से हमने शादी की है 1 हफ्ते के बाद इन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर दिया था कि आप स्कूटी नहीं लाई, और स्कूटी नहीं लाई और तुमने 10 लाख रुपए नहीं दिए हमें, उसमें गोयरे में, हमारे यहाँ गोयरा चलता है रावजू में। तो उसके बाद में जब से इन्हें टॉर्चर करा जा रहा है, यानी इनके खाला खालू और बाकी पप्पा और दूसरे जो उनकी सास ससुर हैं वो दोनों नंद कहती है इंदिरा चौक पर आग लगा दूँगी मैं और तेरे में भी आग लगा दूँगी, ए हेलो ये वाली बात करती है इस तरह की। देवर ने भी मारा इसको। शादी को नवंबर को ही थी जी, एक साल भी नहीं, एक दस 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 महीने हो गए होंगे। नहीं पहले शिकायत नहीं थी, मोहल्ले पड़ोस के आदमी इकट्ठे करे उन्होंने और वहाँ पे फैसला करा दिया, कहने लगे भाई कोई बात नहीं, तो लड़की का मामला इसमें एकदम उल्टे सीधे काम नहीं होते हैं, तो हमें भी अच्छा लगा, मैंने चलो ठीक है। बड़े कितना समय हो गया शादी को? 8-10 महीने हो गए होंगे, 10 महीने। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।